रिटर्न चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री इज -3 ग्रेटर देन स्मॉलर देन 4 -7x/2 और स्मॉलर देन इक्वल 18। चेक करो यही है ना क्वेश्चन, चेक करिए बेटा क्वेश्चन यही है ना आपका, चेक इट। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको भी कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। मैंने बताया पहले इस इनइक्वालिटी को लेंगे और फिर यहां से ये इनइक्वालिटी लेंगे। पहले इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, तो -3 4 -7x/2 जैसे आपकी मर्जी ऐसे सॉल्व करना, जैसे भी आपकी मर्जी हो इसी तरह सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस 4 को इधर ले आइए ना, इस 4 को इधर ले आते हैं। तो या क्या करते हैं, क्योंकि हमारा फोकस किस पे रहता है, जो भी वेरिएबल टर्म होती है उसको हमें क्या करना होता है बताना एक बार, उसको हमें हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी है। यही तो है ना हमारा मोटो, ठीक है ना। हमारा जो मकसद होना चाहिए, हमारा जो मोटो होना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, हमें इसको पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। किसी कारण अगर पॉजिटिव नहीं होता तो मैंने बता रखा है आपको -1 से मल्टीप्लाई करके साइन को हम चेंज कर देते हैं, तो उसमें भी कोई डाउट नहीं है। चलिए इसको उठा के इधर ले आओ, -7x/2 का हो जाएगा +7x/2 इज स्मॉलर। देखो अपने आप ही साइन चेंज हो गया, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल तरीके से आपको करना है, 4 + 3 ये लो जी, यहां पे कितना हार्ड लग रहा था माइनस की वजह से, यहां पे कितना सिंपल हो गया। तो ये कितना हो गया भाई, 7x/2 स्मॉलर देन 7, तो ये कितना हो गया, 7x इज स्मॉलर देन 14, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 14/7 2, x की वैल्यू आ गई स्मॉलर देन इक्वल टू 2। बोलो यस या नो, बोलिए बेटा यस या नो। हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट इनइक्वालिटी लेंगे। नेक्स्ट इनइक्वालिटी है -4 4 -7x/2 स्मॉलर देन n 18। फिर से हमारी वही कहानी, इसको पॉजिटिव बनाना जरूरी है, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो ये 4 - 18 इज 7x/2। बोलिए यस या नो, बोलो हाँ। तो ये आ जाएगा -14, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 और ये 7x, तो ये हो जाएगा कितना बेटा, -28/7 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एक्स, तो ये आ जाएगा -4 से x, -4 जो x है वो -4 से छोटा है उसके बराबर है, मतलब x की कहानी बताए तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -4। तो नंबर लाइन देखते हैं कहां से कहां लग जाएगी, नंबर लाइन सॉल्यूशन सबसे छोटा क्या है, -4, यहां पे -4 मान लेते हैं और फिर 2 से छोटा और यहाँ पे 2 मान लेते हैं, तो दोनों में इक्वल तो है ही, तो क्या आएगी, कौन सी बोल आएगी, डार्क बोल है ना, डार्क बोल इधर भी डार्क बोल है ना, तो यहां से यहां तक ये इसकी वैल्यू हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से कंबाइन
सॉल्यूशन निकाल लेते हैं कि भाई माइनस फोर से तो ये छोटा बड़ा ये उसके बराबर है और टू से छोटा है। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। कोई डाउट है मेरा? x की वैल्यू माइनस फोर के बराबर या उससे बड़ी और टू से के बराबर या उससे छोटी हो सकती है। कोई डाउट है? करिए तो बेटा इसको। डाउट जैसे ही आए आंसर भी चेक करते रहो साथ साथ, तो तुरंत मुझसे पूछना है आप लोगों को, ठीक है ना? चेक योर आंसर। और रेगुलर क्लास ज्वाइन करते रहो, फिर आगे मेरी गारंटी है ना। बस आप रेगुलरिटी पे ध्यान दो, जो सीखना है क्लास में ही सीखना है ना। अब मैंने अपना मतलब एक फॉर्मूला बना लिया कि जो बच्चों को सिखाना है वो क्लास में ही सिखाना है। जब तक नहीं आएगा जब तक वही टॉपिक मैं कराता रहूंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? जो भी सीखना है वो क्लास में ही सीखना है, यहीं पे सीखना है, राइट? अब वो उन बच्चों की गारंटी है जिनसे नहीं आएगा वो जरूर क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना? डन बेटा। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर अब सिक्स फोर फाइव यू विल डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं। सिक्स इज सेवन इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू थ्री एक्स प्लस इलेवन अपॉन टू। थ्री एक्स प्लस इलेवन अपॉन टू इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू इलेवन। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाइए बेटा। सेम क्या करना है मैं बना देता हूँ। अलग अलग इनइक्वालिटी, अलग अलग इनइक्वालिटी बनाएंगे तो क्या पहले ये बनेगी उसके बाद ये बनेगी, है ना? तो ये आ जाएगी 3x प्लस 11 अपॉन 2। पहली इनइक्वालिटी तो ये बन जाएगी और सेकंड इनइक्वालिटी क्या बनेगी 3x प्लस 11 अपॉन 2 स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 11। तो दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करके कंबाइन आंसर आपको फाइंड करना है। देखते हैं कंबाइन आंसर कौन कौन फाइंड करेगा। डू इट फास्ट। कंबाइन आंसर चलो मैं भी करता हूं, आप भी करो, कौन जल्दी करे, है ना? देखते हैं कौन जल्दी करेगा। मैं भी स्टार्ट करता हूं करना, आप भी स्टार्ट करिए। स्टार्ट करते हैं भाई। यहां से ये इधर आएगा 14 स्मॉलर देन, ये गेम है। देखते हैं आप जल्दी करते हैं मैं जल्दी करता हूं। रेडी? ओके, कौन गेम को जीतता है इसको। तो ये हो जाएगा 14 3x प्लस 11। तो ये इधर आएगा 14 माइनस 11 3x। तो ये आ जाएगा कितना भाई, कितना आएगा जल्दी बताओ। 11 माइनस 14 3 smaller than equal to 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो x की वैल्यू पहला सॉल्यूशन तो आ गया कि भाई x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, 1 से बड़ी होगी। ओके, अब भाई मैं तो जल्दी जल्दी से कर रहा हूँ, देखते हैं। अच्छा मुझसे जल्दी कैसे कर सकते हो? 3x plus 11 देखते हैं कौन जल्दी करता है मुझसे। 11 और ये 2 into 2 आ जाएगा। जल्दी करो भाई, 3x प्लस 11 और ये 22। तो 3x स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 22 माइनस 11। डन। लो भाई तुमने तो हरा दिया मुझे। तो 3x इज कितना आ जाएगा 11
एक्स की वैल्यू 11/3। 11/3 का मतलब क्या होता है? मतलब 3 3 9, 3 पॉइंट समथिंग ना। तो बस दाखिल कर दीजिए आप। सही है बेटा, बिल्कुल सही है। फाइनल आंसर आएगा x की वैल्यू, फाइनल आंसर में x की वैल्यू 1 से बड़ी है, उससे बराबर है, और 11/3। दिस इज द फाइनल आंसर। ये बताओ किस किस का है ये फाइनल आंसर? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मुझसे जल्दी किसने किया था ये बताओ, मुझसे जल्दी किसने किया था? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अब इसको नोट कर लीजिए। चलो वेरी गुड।